हेलो, मेरा नाम मनीष कुमार, अखंड भारत की वाचा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी एक भाई जेल में बैठे हैं और नाम है कपिल नरवाल और गांव वैसर से, और इस टाइम पर बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं कि सरपंची का इलेक्शन लड़ना है। तो सब तो भाई का सबसे पहले भाई का बात करना मेरी राम नाम है। अच्छा भाई साहब, मैं गाँव में गया था, गाँव में मैंने आपका नाम सुना कि कपिल नरवाल है जो इलेक्शन लड़ेगा। तो फिर वहाँ से ना मुझे बोलिए आपसे बात की और आपसे मीटिंग हुई, तो क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? सबसे पहले कि गांव वालों ने आपको मौका दे दिया, तो आप क्या कुछ काम करोगे? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चोरिया पर स्टेडियम है ना, फिर लगे इसको हम सबसे पहले इसको ही बनवाएंगे। जो कोई भी सरपंच बनता है ना, इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता। जो बच्चे हैं भाई, जो ये फौज की रेस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब नशे पत्ते से दूर रहेंगे। किसी भी सरपंच नए खेल का मैदान हमारे गाँव में बनवाया। ठीक है। हाँ, और क्या कुछ आपके मुद्दे हैं? ये और मुद्दे जैसे सीसीटीवी कैमरे हैं, मतलब गांव में चोरी से किसी भी चीज से, मतलब आदमी को, मतलब किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरे बहुत जरूरी होते हैं। एक जो हमारा स्कूल है वहाँ भी मतलब थोड़ी सी विकास की जरूरत है। अच्छा, और कई जो उसके बाहर है ना, तो रोड पर हमारे वहाँ शौचालय और बाथरूम की ज्यादा डिमांड सी होगी। आने जाने वाले इंसान को तो ये चीज सबसे बेसिक जरूरत है इस चीज की, तो इन चीजों की तरफ मैं सबसे पहला अपना ही ध्यान। अच्छा एक बात बताओ, गांव वाले आप ही को क्यों वोट करेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि पता नहीं इलेक्शन में कितने लोग खड़े होंगे और गांव वाले आप ही को क्यों वोट करें? सीधा सा क्वेश्चन ये है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत है। हाँ जी, तो आपके अंदर ऐसी क्या चीज है कि आपको ही वो वोट करेंगे? देखो, एक तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं कोई भी, वैसे तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, फिर भी थोड़ा सा पीढ़ी में बदलाव आया है, थोड़ा सा बदलाव आया है, तो उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर भी जैसे एजुकेटेड लगा लो आप, मैंने जी बी कॉम करके एम इकोनॉमिक्स में मतलब अपना कर रखी है, तो मैं कुछ नया करने की मेरी सोच है। मतलब सबसे बड़ी बात ये है, जो भाई साहब हैं पढ़े लिखे युवा, मतलब हर तबके के लिए सोचने वाले इंसान, ऐसा नहीं है कि कई आदमी क्या होते हैं कि बड़े उम्र का होने के बाद ना बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देता, कई बार होता है, लेकिन भाई बिल्कुल हर चीज़ को अच्छे से सोचने वाला इंसान है। तो एक मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई और आज तक नहीं आई, छोटी राजनीति या बड़ी राजनीति हो, इलेक्शन से पहले हाथ जोड़ते हैं, इलेक्शन के बाद हाथ जोड़वाते हैं, इसमें आपका क्या कहना है और इस चीज़ को आप किस नजरिए से देखते हो? देखो जी, मैं आपको बात बताता हूँ। सबसे पहले मतलब एक महीना मतलब हम एक्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, मुझे जी 1.5 साल से ऊपर हो गया सामाजिक सेवा करते, तो इसलिए इलेक्शन आएगा 2 साल हो जाएंगे, तो मैं उनको पहले ये दिखाना चाहता हूँ, भाई मैं बन भी गया तो मैं अपनी तरफ से मतलब पूरा ऐसे नहीं भाई एक्टिविटी कर दिया, वो कर दिया। हर एक सबसे पहले मैं यह बात कहना चाहता हूँ, जो भी सरपंच खड़े हो ना, पैसे खाने के लिए या और कुछ करने के लिए, मतलब मैं उनको मुँह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ। मैं अपने बड़े बुजुर्ग गांव वालों के साथ मिलकर, चाहे वो कमेटी बनाए कुछ भी बनाए, उनके साथ मिलकर काम करूंगा, और कोई भी पैसा मतलब पैसे खाने के हिसाब से मैं बिल्कुल सरपंच में नहीं हूँ। अच्छा, एक चीज़ देखी मैंने और काफ़ी गाँव में देखी है, इतना सरपंच नहीं बनते, इतना तो सरपंच हो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, शहर में MC हो, गाँव में सरपंच हो, MLA हो, MP हो, कोई भी इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले हम घर घर जाते हैं और इलेक्शन के बाद हम घर घर नहीं जाते हैं, घर वाले उनके घर पे आते हैं। ऐसा क्यों? जब हम पहले जा सकते हैं तो बाद में भी जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ये प्रकरण नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा ये आज तक, तो इस पर आपका क्या कहना है और आप इस चीज़ को किस तरीके से आप देखते हैं? देखो जी, मतलब एक तो बात है, गाँव वालों को भी सोचना चाहिए, मतलब पहले इतना फोर्स कर देते हैं अगले सब कुछ कोई, मतलब सारा जैसे घर का भी काम करते हैं,
ये उनकी सोच गलत है। भाई गांव का विकास करवाना है कि उनको अपने सामाजिक काम के लिए ठीक है, पर्सनल काम के लिए गलत है। हाँ, तो पांच आदमी जो कह रहे हैं उस काम को देखो, पर्सनल चलो कोई काम अटक जाए तो बाहर है, मतलब गरीब आदमी को जी ऐसा काम है, कोई एमएल ला लो बाहर ला लो, कोई सरकारी काम में ला लो, कहीं रोकथाम हो जाए, उसके लिए तो हमेशा देना पड़ेगा। लेकिन यह थ्योरी बिल्कुल गलत है गाँव से। अच्छा, एक चीज मुझे ना ये चीज दिखती है आपके गांव में बेरोजगारी की तरफ आपका क्या कुछ विचार है, गांव में बेरोजगारी को किस तरीके से आप मिटाना चाहेंगे, क्योंकि युवा आज के टाइम पे बेरोजगारी की तरफ जाते जा रहे हैं, बेरोजगारी होने की वजह से वो नशे की तरफ जा रहे हैं। हाँ। तो इस पर आपका क्या कहना? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो अपना मतलब जो बच्चे हैं पढ़े लिखे की तरफ से मतलब नौकरी मिलनी नहीं उनको, और खेल कूद का मैदान है नहीं ना, कोई उनको सुविधा मिल रही है, मतलब ऐसा प्रोग्राम मतलब वो नहीं रहा, मतलब उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि वो मतलब अगले अगले उसमें बढ़े किसी भी चीज में, खाली दिमाग शैतान का गलत था, तो वो नशे से कैसे बचेंगे, खेल का मैदान नहीं अच्छा, कोई मतलब शिक्षा की ले लो, मतलब कोच कर खेल का तो कोच है, शिक्षा में ऐसा है कोई मतलब ये ट्यूशन वगैरह ला लो, कोचिंग सेंटर आ गए हैं, कोई तो एक दो टीचर मतलब ऐसा हो जो उनको रास्ता दिखाए, भाई ये फार्म भर लो ये कर लो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, और सब ये शासन था बना वही ग्रह। मैं मुझे भी देख लो वही विषय में खुद जुट रहा हूँ, खुद बी कॉम करके मैंने भी मतलब पीछे के लाख सेकेंड रख दिया, लेकिन नहीं जॉब मिली। अच्छा, बी कॉम आईपीएस बैंकिंग में ट्राई किया था, नहीं मिली। अब मैं भी पीछे जुट रहा हूँ अपना सब बच्ची की मतलब समाज जी का अपने जो भी कर रहा हूँ, मैं भी नहीं हूँ लेकिन मेरी सोच है मेरे जो युवा साथी हैं वो भी मतलब ऐसा ना हो, वो भी कहीं कामयाब हो, मतलब कोई हमारे गांव में सुनते हैं और कोई भी बच्चा हमारे गांव का नाम रोशन करेगा उसको कुल सुविधा दी जाएगी अपनी तरफ से, जैसे हमारे हक में होगी। तो एक चीज जैसे गांव के अंदर लाइब्रेरी वगैरह बनाने का ऐसा कोई विचार है आपका जी, कि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े लाइब्रेरी के लिए? एक तो जी लाइब्रेरी, एक पशु चिकित्सा, ये छोटी मतलब ये चीज को तो गांव में मतलब मेरी थोड़ी होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। हाँ। कि भाई जगह लाइब्रेरी पानीपत में काफी है, मतलब डेमे भी एक खुल गई है, तो ऐसे गांव में उसे पंचायती कि भाई जिस बच्चे को पढ़ना हो वो बच्चा आके वहां पर पढ़ ले। जी हमारा गांव ऐसा, उसमें हर एक सुविधा मिल सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन कारण क्या रहा है इसके पीछे, जिन कारण की बात? कारण तो जी ये है, सरपंची मोटला मतलब पैसा लग जाए, इस पर दया करो, अपना घर कर लो, अपने लेंटर उच्चा करना, वैसे और कुछ नहीं। हाँ, और कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कोई व्यू नहीं है। एक नया युवा मतलब पढ़ा लिखा मतलब ऐसा अभी तक गाँव में सब कुछ बने नहीं। अच्छा, एक चीज और बताओ, आज तक किसी कोई भी इलेक्शन में छोटा हो तो बड़ा हो, हर आदमी एक बात कह के वोट लेता है कि मैं करूँगा काम, मैं करूँगा काम, काम ना होने की वजह से उसको अगली बार जनता मौका नहीं देती। फिर अगला आता है, अगला भी यही बोलता है कि मैं करूँगा काम, पिछले ने नहीं करे, उसको वोट मिले वो बन गया, फिर उसने नहीं करे, ऐसे चलता जा रहा है। तो अब लोगों का विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भी क्या करें। मैं बताता हूँ जी आपसे, मुझे ना मतलब कोई भी साधन हो, कोई भी चीज हो, मुझे मॉडिफाई बस होगा, मतलब एक बार बताओ, दो रोटी तो जिससे भी खा रहे हैं, मतलब फिर क्यों पैसे के पीछे इतने पागल? तो मतलब नया खून ला ले, कुछ भी ला ले, जोश में ला ले, कुछ भी चीज है, अच्छा देखना पसंद करा जी पब्लिक, कुछ भी होगा तो मैं गाँव को अच्छा बनाने की मेरी नहीं हुआ, जो आता रहता भी ये देखा, हाँ भाई गाँव वैसा है, कुछ है इस गाँव में बस। और एक चीज और मैंने देखी, यदि कोई इलेक्शन लड़ना है या कोई राजनेता है, वो ना एक उसका ड्रेस कोड होता है, कुर्ता पजामा, और मैं जब भाई से मिला तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया कि भाई बिल्कुल ये नॉर्मल। और एक चीज़ और नरवाल भाई, सरपंच बनने के बाद भी इससे तरह हो गया या फिर अपना कुर्ता पजामा सफेद कुर्ता पजामा हो गई? क्योंकि ना ये चीज़ें सरपंच के बाद तो बिल्कुल फ्रेश कुर्ता पजामा चलता है, मैं देखा है सरपंच नहीं कोई भी किसी भी आप राजनेता को देखो
देखो जी वैसे तो कुर्ता पजामा मेरे को बहुत ज़्यादा सूट करता था फैमिली के साथ। अच्छा, और मैंने पहले से इसी मुबारक की मेरे पास है। अच्छा हाँ नहीं ये चीज़ ना बहुत चीज़ देख बहुत ज़्यादा देखी मैंने चीज़ें हाँ। कि भाई जो इलेक्शन वाले हैं या कोई भी नेता है या राजनीति में इंटरेस्ट है वो कुर्ता पजामा सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। देखो करने के तो आप पेंट शर्ट भी कर सकते हो हाँ। टी शर्ट पेंट भी करते हैं लेकिन इस फील्ड में सबसे ज़्यादा कुर्ता पजामा यूज होता है। तो अभी आप मैंने जैसे नॉर्मल देखे हो तो आगे भी इसी तरीके से नॉर्मल रहोगे या फिर बदलाव आ जाएगा? चौधरी का हुआ से साथ में निकल चलूंगा और मैं ऐसा ही रहूंगा भी आज भी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भाई जैसे आज है वैसे ही रहेंगे और समय बताएगा जब सब कुछ ही हो का इलेक्शन हो जाएगा और भाई जीत जाएगा फिर गाँव में फिर जाऊंगा और फिर मैं इंटरव्यू करूंगा और फिर देखेंगे बदलाव होया तो पूछ लेंगे क्यों होया और नहीं होया तो भाई तो बताएंगे कैसे हैं। तो इस वीडियो के साथ अपनी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।